सरकारी नौकरी से बर्खास्त होने के बाद डॉक्टर आनंद राय अब चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। दरअसल सीएम शिवराज के खिलाफ गलत सूचना फैलाने के आरोप में राज्य स्वास्थ्य सेवा से सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ऐसे में डॉक्टर आनंद राय ने तंज कसते हुए कहा, व्यापम घोटाले जैसे अन्य भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए सरकार ने एक तरह से उन्हें सम्मानित किया है। अब आदिवासियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार उनके काम को पचा नहीं पा रही थी। अब वे चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है, भाजपा गंदी सियासत कर रही है। यह दुखद है कि भारतीय लोकतंत्र को अब भाजपा कुचल रही है। एक आदमी जिसने सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया, उसे ही सेवा से बर्खास्त कर चुकी है। बता दें, डॉक्टर आनंद राय इंदौर के हुकुमचंद सरकारी अस्पताल पदस्थ थे, जहाँ ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के चलते उन्हें पिछले मार्च 2022 में निलंबित किया गया था। साथ ही 5 पन्नों के पत्र में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आनंद राय को 8 आरोपों का दोषी पाया गया है।